नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में आपको बता दें, सत्य दृष्टि अस्पताल के द्वारा शिविर किया गया है, जिसमें कि निशुल्क आंख जांच शिविर लगाया गया। दरभंगा जिला के सुराचट्टी स्थित यहां पर जो जांच शिविर लगाया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों को यहां पर आंख जाँच में बुलाया गया था, जिसमें निःशुल्क दवा भी दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिधौली पंचायत के मुखिया है नागेश्वर दास, यहाँ खुद मौजूद थे, उनके साथ प्रमोद दास, ये सभी लोग मौजूद रहे हैं। यहां आंख जांच शिविर लगाया गया है। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा, जिसमें आप देख सकते हैं बुजुर्गों का आंख मुफ्त में जांच किया जा रहा है। देख सकते हैं यहां पर खुद डॉक्टर जो हैं लगातार यहां खुद से जांच करते हैं, उनके बाद दवाओं को लिखते हैं और अपने क्लिनिक के बारे में बता रहे हैं। यहां पर जांच के लिए घंटों लोग यहां पर बैठे रहे हैं और जांच चलता रहा है। इस क्षेत्र में जो जांच शिविर लगाया गया है, इससे गरीब जनता को फायदा होगा। हमने एक जो बुजुर्ग है उनसे सवाल किया है, क्या ऐसे जांच से लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं पूरा कवरेज, जरूर देखिए। अभी ये डॉक्टर सत्यपाल जी हैं, ये DMCH द्वारा आज हमारे सुराचट्टी सिधौली पंचायत में आय का निःशुल्क जांच का शिविर लगाए। और शिविर का उद्देश्य था कि आयुष्मान कार्ड के जरिए लोगों को इलाज करना। तो ये आयुष्मान कार्ड के जरिए ये पंडासराय में अपना एक क्लिनिक बनाए हैं, जहाँ लोगों को यहाँ से कलेक्ट करके गाड़ी से ले जाते हैं, वहाँ ऑपरेशन करके बस उसी दिन या उसके सुबह हो करके उनको घर पहुँचा देते हैं। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, वैसे लोगों को DMCH में प्रत्येक सोमवार को, प्रत्येक मंडे को वहाँ बैठते हैं। तो उसके लिए भी ये है कि हम वहाँ पर भी निःशुल्क इलाज करेंगे और लोगों को मदद भी करेंगे। अच्छा लगा, हम भी आए हैं, हम भी अपना आँख दिखाए हैं। हमको भी नज़दीकी गड़बड़ा गया था और आँख से पानी आ रहा था। डॉक्टर साहब हमको ये दवा प्रोवाइड किए हैं अपनी तरफ से, जो निःशुल्क दिए हैं, और बोले हैं कि बाज़ार में आप आइएगा तो कौन मशीन बोले हैं जो जो उस मशीन से आपको वहाँ पर हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों को आज जिनका जिनका आयुष्मान कार्ड है, जिनका मतलब पक गया है, तो उनको ये निःशुल्क इलाज के लिए चिन्हित भी किए हैं। तो ये जो निःशुल्क जांच शिविर आपके पंचायत में किया जा रहा है, ये जनता के लिए फायदा है, ठीक है? बहुत बहुत लाभदायक है। किसी तरह क्योंकि आज भी गरीबी है, आज भी बेरोजगारी है। ये दवा सिर्फ आपको मिला है या जनता को भी मिल रहा है? हमको ही नहीं, हम देखे हैं अपने यहाँ पर, हम लगभग 2 घंटा से बैठे हैं। जिनको भी जरूरत हुआ है ये सबों को निःशुल्क दवा। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम नागेश्वर दास, सिधौली पंचायत। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर निःशुल्क आँख जांच शिविर जो लगाया, इसका क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेन तो मुखिया में जो पड़ जाता है तो रोशनी जाने का खतरा रहता है। जी, ये निःशुल्क नेत्र जांच शिविर जागरूकता के लिए बेसिकली लगाया जाता है। जो लोग जागरूक नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, मुखिया में बुजुर्ग अवस्था में बहुत हो जाता है, जिससे रोशनी की कमी आ जाती है। ससमय ऑपरेशन होना बहुत जरूरी होता है। और जो बहुत गरीब हैं, जिनको आयुष्मान कार्ड का लाभ है या जिनका कार्ड बन चुका है, उसके लिए मेरा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड किया गया है भारत सरकार द्वारा। उसका उसकी जानकारी हेतु भी मैंने ये कैंप लगाया, ताकि आप मेरे हॉस्पिटल में आएँ आयुष्मान कार्ड के साथ और निःशुल्क आप अपने मोतिया का ऑपरेशन करा सकें। ये सुराचट्टी चौक पे एक मैंने शिविर लगाया, इसमें मुखिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। राकेश जी हैं जिन्होंने बहुत सामाजिक काम किए और सहयोग दिया। ये जांच शिविर है कितने बजे शुरुआत हुआ, कितने बजे ये क्लोज हो जाएगा? सुबह 11 बजे शुरू किया था मैंने, 3 बजे तक चलेगा। अभी तक यहाँ जी बताएं, अभी तक 50 मरीज को अभी तक देखा गया है, जिसमें 12 मरीज को हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड के तहत रजिस्टर्ड किया है, जिनका मोतिया भी बहुत पका हुआ था। अच्छा, और उनको मैंने कल ऑपरेशन के लिए और कुछ दवा भी दिए हैं, कुछ फिजिशियन सैंपल वगैरह होते हैं, कुछ दवाएं मैंने अपने पर्सनल अपना फंड से खरीद कर लाया था। जो लाचार गरीब है, जिनको जरूरत है, उनको दवा दिया गया है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम डॉक्टर आर के सत्यपाल हो गया। आपका? राकेश पासवान, अनपटनी 12 नंबर वार्ड। कैसे पता चला? प्रचार मुखिया के जरिए, मुखिया जी के जरिए मालूम हुआ कि जो आपका डॉक्टर सुराचट्टी पे आएंगे, जा करके जाँच करा लो।
क्या लग रहा है कि ऐसे जांच शिविर में गरीबों को फायदा होता है या सिर्फ नाम के लिए लगाया जाता है? फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। फायदा होता है। अब हमको क्या होता है, 10 रोज से दिखाई नहीं देता है, एक आँख से, दहीना आँख से, एक आँख से सही देखते हैं, आसानी से देख रहे हैं ये लोग। हाँ, एक आँख से थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, 10 रोज से पहले सही था। अब वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या बीमारी है, नहीं है, इसी के लिए हमारे। आप खुश हैं ऐसे? हाँ, से क्या नाम पूरा हुआ? MD हबीब।